गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था और उसमें डायग्राम बनाया गया था और उस डायग्राम के बाद हमने टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटे थे और उसमें बताया था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स रीडी टेस्टिस, फिर रीडी टेस्टिस के बाद वासा इफरेंसिया में, फिर वासा इफरेंसिया आकर के खुला था एपिडिडाइमिस में जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था जो लगभग 6 मीटर लंबा होता है उसमें आके खुला हुआ था। फिर हम लोग एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़े थे। फिर एपिडिडाइमिस के जो लास्ट पार्ट होता है इसको कॉडल पार्ट कहा जाता है, उस कॉडल पार्ट से वासा डिफरेंस निकला हुआ था यानी कि स्पर्म डक्ट निकला हुआ था और वो स्पर्म डक्ट एब्डोमिनल पार्ट में आकर के और यूरेथ्रा के अंदर इंटर किया था। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, ह्यूमन का एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में जिसमें पेनिस आता है। तो ह्यूमन के आज पेनिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पेनिस हिंदी में इसको शीशन कहते हैं। यह एक मस्कुलर मतलब मांसपेशी का बना हुआ मस्कुलर कोपुलेटरी मतलब संभोग करने का अंग, कोपुलेटरी ऑर्गेन है यह। ठीक है, मस्कुलर भी है प्लस कोपुलेटरी भी है और भी क्या है, इरेक्टाइल भी होता है यानी कि यह इंटरकोर्स के समय जो होता है वह ये इंटरकोर्स के पहले तो लूज रहता है लेकिन इंटरकोर्स के समय क्या हो जाता है, यह हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है और टफ हो जाता है जिसके वजह से मेल जो होता है वो अपने उस ऑर्गन से फीमेल के अंदर सीमेन को यानी कि स्पर्म को डाल सकता है। ओके, तो आज उसी पेनिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मस्कुलर हो गया, कोपुलेटरी ऑर्गन हो गया प्लस इरेक्टाइल हो गया। इसके बाद से और एक चीज है इसका कि पेनिस का जो लास्ट इन पेनिस जो होता है, सपोज डेट कि ये पेनिस हो गया, हम एक पिक्चर बना लेते हैं हल्का सा, ये सपोज डेट कि जब पेनिस है तो इसका जो लास्ट इंड होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ रहता है। इस लास्ट इंड को क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस का। तो और ये ग्लांस पेनिस क्या होता है, हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, हाईली सेंसिटिव संवेदनशील अंग यानी कि अति संवेदनशील अंग, सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ मेल, मेल का ये सबसे संवेदनशील अंग होता है। ये ग्लांस पेनिस जो होता है ऊपर से एक लूज फोल्डेड स्किन से कवर्ड होता है, है ना, उस लूज फोल्डेड स्किन को कहा जाता है प्रीप्यूस, क्या कहते हैं उसको, प्रीप्यूस कहते हैं। और इसका एक और नाम है फोर स्किन, है ना। और इस प्रीप्यूस और फोर स्किन के अंदर एक प्रकार का एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है और उस ग्लैंड को टाइसन ग्लैंड कहते हैं। कौन ग्लैंड कहते हैं, टाइसन ग्लैंड। यह एक और नाम है प्रीप्यूसियल ग्लैंड पाया जाता है और इस प्रीप्यूसियल ग्लैंड से एक तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो ग्लांस पेनिस को इंटरकोर्स के समय क्या करता है, चिकना बनाता है। ओके, तो असल में ये जो टाइसन ग्लैंड है ये एक्सेसरी ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है, एक्सेसरी ग्लैंड का अलग का चीज है, इसलिए सीमेन के अंदर इससे निकले वाले पदार्थ को हम सीमेन के अंदर काउंट नहीं करते हैं, ये अलग है। ओके, तो ये हो गया। अब पेनिस का अगर हम लोगों को देखना होगा कि आखिर ये है क्या चीज, टाइसन ग्लैंड, सॉरी प्रीप्यूसियल ग्लैंड होता है, ये और बताना भूल गया कि टाइसन ग्लैंड और प्रीप्यूसियल ग्लैंड होता है, इससे निकला वाला जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, एस्मेग्मा कहा जाता है, एस्मेग्मा। ठीक है, और ये एस्मेग्मा क्या है, तो एक तरह का मिल्की फ्लूइड होता है, मिल्की व्हाइट कलर का। ठीक है, मिल्की व्हाइट लुब्रिकेटेड मटेरियल्स होता है, लुब्रिकेटेड यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, लुब्रिकेटेड मटेरियल्स होता है। आगे बाबू समझ में, मैग्मा क्या है, प्रीप्यूस, अभी फिगर बनाएंगे उसमें बताएंगे प्रीप्यूस क्या है, प्रीप्यूस या फोर स्किन जिसको कहते हैं उसके अंदर टाइसन ग्लैंड या प्रीप्यूसियल ग्लैंड, उससे इंटरकोर्स के समय केवल उस ग्लैंड से एक तरह का मिल्की व्हाइट यानी कि दूधिया कलर का एक
लुब्रिकेटेड मटेरियल यानी चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको स्मेग्मा कहते हैं। इसका काम ये होता है कि वह ग्लांस पेनिस को क्या करता है, चिकना बना देता है। ओके नाउ, अब जब हम लोगों को ग्लांस पेनिस का अंदर का स्ट्रक्चर देखना होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसको पहले पिक्चर बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने पिछला क्लास में जो ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पिक्चर बनाया था, जो ड्रॉ किया गया था, उसका हम साइड से उसका व्यू देख रहे हैं, साइड से व्यू देखने जा रहे हैं। तो साइड से जब व्यू देखिएगा तो उस साइड से व्यू देखने पर इस तरह का दिखाई देता है, ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस के ऊपर से क्या है, इपिडिडाइमिस है और ये कॉडल पार्ट है इपिडिडाइमिस का, और इपिडिडाइमिस के कॉडल पार्ट है यहाँ पर नीचे वाला, ये बीच वाला बॉडी है, ऊपर का फंडस है। तो ये नीचे से और कॉडल पार्ट से यहाँ से निकलता है क्या चीज, या स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंस निकलता है। ये वासा डिफरेंस निकला और यहाँ हो गया क्या यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर से पास किया नीचे आया यहाँ, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर यूरेटर आकर के खुला हुआ है ना। तो ये वैसे यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके पीछे से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उसी के बनाने पर क्या हो जाएगा, यह ढक जाएगा, इसलिए ढक गया, लेकिन ये कंटिन्यू है, यह इसके अंदर खुला हुआ नहीं है, उसके पीछे से पास कर रहा है। यहाँ पर जब आता है तो आ करके यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है और उस ग्लैंड को कहते हैं क्या चीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से आकर के मिल जाता है और मिल करके क्या बना देता है, एक कॉमन डक्ट बनता है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, यूरेथ्रा में आकर ये खुल जाता है, सॉरी आके यहाँ पर क्या हो गया, ये यूरेथ्रा में खुल गया, ठीक है। और ये यूरेथ्रा जो होता है वो बाहर निकल आया यहाँ, अब ये यूरेथ्रा आता है, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा आकर के पेनिस के अंदर खुल गया, ये पेनिस हो गया। पेनिस का भी बताया है कि यूरेथ्रा आया है और इसके चारों तरफ से मसल्स होता है, इसका जो लास्ट इंड होता है वह थोड़ा सा क्या होता है, इसे फूला हुआ रहता है, लास्ट इंड इसका फूला हुआ है। इसी लास्ट फूले हुए इंड को क्या कहा जाता है, ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और यह चारों तरफ से इसमें क्या है, इरेक्टाइल मसल्स है, यह क्या है, ये सब इरेक्टाइल मसल्स है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ग्लांस पेनिस, सॉरी इधर लिखते हैं ग्लांस पेनिस, और ये पूरा ऊपर से या एक लूज फोल्डेड स्किन से पूरा ये कवर्ड हो गया, ये पूरा इसे कवर्ड है, ठीक है, पूरा कवर्ड है। और यहाँ पर ये स्क्रूटम, ये क्या है, स्क्रूटम। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, और ये क्या हो गया, इपिडिडाइमिस हो गया, इपिडिडाइमिस हो गया। ओके, और ये हो गया वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस कहिए या स्पर्म डक्ट कहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्लांस पेनिस हो गया, ये ग्लांस अभी बताया है हाईली सेंसिटिव होता है, ये जो ग्लांस पेनिस को जो कवर करने वाला जो स्किन है या दैट इज कॉल्ड फोर स्किन या प्रीप्यूस, प्रीप्यूस या फोर स्किन, वाली फोर स्किन, ठीक। और इसी फोर स्किन के अंदर कह रहा है कि कौन ग्लैंड पाया जाता है, यह टाइसन ग्लैंड पाए जाते हैं, जो इंटरकोर्स के समय टाइसन ग्लैंड से या स्मेग्मा निकलेगा जो इस ग्लास पेनिस को क्या करेगा, उसको स्लिपरी बनाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं कि अब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ऐसे इसका सेक्शन काटा गया, तो जिस सेक्शन जब काटेंगे तो इसका पिक्चर कैसा दिखाई देगा, तो आइए हम देखते हैं। ओके, क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, टी एस, ट्रांसवर्स सेक्शन टी एस, TS, transverse section of what? Penis. Penis का, ये penis है, penis का transverse section ऐसे मैंने काट दिया। अब काटने के बाद अब उसको ऊपर से देखना है तो कैसा दिखाई देगा, तो हमने अभी बताया कि जो पेनिस होता है उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, तो इस इरेक्टाइल टिश्यू के तीन बंडल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तीन बंडल में ये इरेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं वह
उसमें फिट रहता है, वो लॉन्गिट्यूडनल इनकी लंबाई में, जिस तरह सपोज लड़के ये पेनिस है तो इसके अंदर लंबाई में इरेक्टाइल मसल जो होंगे वह 3 जगह लंबाई में क्या